साथियों, आप सब कम्युनिकेशन फील्ड के क्रिएटिव लोग हैं। आप लोग अक्सर कहते हैं कि कंटेंट इज किंग। मैं आप लोगों से अपने अनुभव की एक और बात कहना चाहता हूं। मेरा अनुभव है कि कंटेंट इज कनेक्ट, यानी जब आपके पास बेहतर कनेक्ट होगा, बेहतर कंटेंट होगा, तो लोग खुद ही आपके साथ जुड़ते जाते हैं। ये बात जितनी मीडिया पर लागू होती है, उतनी ही हमारी संसदीय व्यवस्था पर भी लागू होती है, क्योंकि संसद में सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिसी भी है। एक्चुअली तो पॉलिसी ही है। हमारी संसद में जब सत्र होता है, अलग अलग विषयों पर बहस होती है, तो युवाओं के लिए कितना कुछ जानने सीखने के लिए होता है। हमारे माननीय सदस्यों को भी जब पता होता है कि देश हमें देख रहा है, तो उन्हें भी संसद के भीतर बेहतर आचरण की, बेहतर बहस की प्रेरणा भी मिलती है। इससे पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और जनहित के कामों को पॉपुलैरिटी भी मिलती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सदन की कार्यवाही से आम जन कनेक्ट करे, भले ही वो देश के किसी भी कोने में हो, सदन की गतिविधियों का हिस्सा बने। ऐसे में संसद टीवी को भी अपने कार्यक्रमों का चुनाव लोगों की, खासकर युवाओं की रुचियों के आधार पर करना ही पड़ेगा। इसके लिए भाषा पर ध्यान देना होगा। इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग पैकेज और प्रोग्राम ये अनिवार्य हो जाएंगे, जैसे कि संसद में हुए ऐतिहासिक भाषण लिए जा सकते हैं। सार्थक और तार्किक बहस के साथ साथ कभी कभार कुछ मजाकिया क्षणों को भी दिखाया जा सकता है। अलग अलग सांसदों के बारे में जानकारी दी जा सकती है, ताकि जनता उनके कामों का तुलनात्मक विश्लेषण कर सके। कई सांसदगण अलग अलग क्षेत्र में कई सराहनीय काम भी कर रहे हैं। उनके इन प्रयासों को आप देश के सामने रखेंगे तो उनका भी उत्साह बढ़ेगा और दूसरे जनप्रतिनिधियों को भी सकारात्मक राजनीतिक प्रेरणा मिलेगी।